नमस्कार दोस्तों, मैं सुखदेव साहू। आज आपको बताऊंगा दोस्तों कि अपने क्यूबेस 5 में ओएमएफ फाइल को कैसे ओपन करेंगे, मतलब कैसे इंपोर्ट करेंगे दोस्तों। तो वीडियो बने रही है, नए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। ये पहले फाइल में जाना है, उसके बाद इम्पोर्ट में जाना है, उसके बाद ओएमएफ फाइल जाना है, उसके बाद ये सब प्रोजेक्ट है जो सेव करके रखे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं वो फाइल लिखा है। इसको हम क्या करेंगे, अपना पहले ओपन करेंगे इस तरह से, और फिर इसको ओके करेंगे। फिर इसके बाद ये सिलेक्ट आल करेंगे। सिलेक्ट आल करेंगे दोस्तों, ये जितना इसमें बाजा बजा हुआ है वो सभी ओपन होगा। तो सिलेक्ट आल ट्रैक करना है, उसके बाद फिर ओके करना है। इस तरह से ये खुल रहा है, थोड़ा लेट लगेगा क्योंकि इसमें बहुत सारा वेब फाइल होती है जो रिकॉर्ड रहता है इसमें, जैसे बेंजो, आर्गन, तबला, नाल, जो भी इंस्ट्रूमेंट बजा रहता है इसमें, वो सभी का साउंड इसमें एक साथ रिकॉर्ड रहता है, जो थोड़ा काफ़ी समय लगता है। और ये प्रोजेक्ट एक ही गाना का है दोस्तों, एक गाना का फाइल का लगभग साइज आपको बता रहा हूँ 3 GB 4 GB के आसपास होता है। इसका फाइल देख रहे हैं कितने GB का है लगभग, एक मिनट इंपोर्ट करके फिर जाते हैं उसी जगह, फिर देख लेते हैं यहाँ पे अगर GB बताएगा तो। ये देख रहे हैं दोस्तों, इसका जो MB है 773 MB का, ये देख रहे हैं 773 MB का एक ही गाना का साइज है दोस्तों। इस तरह का होता है जो आपको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ले जाने के लिए आपको ओएमएफ फाइल काम आता है दोस्तों। तो ये देख रहे हो, मैं इसमें आपको थोड़ा थोड़ा बजा के बताता हूँ। देख रहे हैं आप इस तरह का, जैसे नहीं तो देख रहे हैं आप इस तरह का, ये बजता है, देख रहे हैं आप इस तरह का, इसमें सभी चीज़ बजता है जो अलग अलग है। ये मतलब तबले का है, ये नाल का है, ये पेड़ है, ये देख रहे हैं सितार, और ये अपना कीबोर्ड है, और ये देख रहे हैं अपना ये बेस गिटार है अपना। इस तरह का ये सब बजा रहता है जो अलग अलग रहता है। ये वॉइस का है, और अपना ये कहना चाहिए म्यूजिक है अपना, इस तरह का ये सब बजा रहता है जो एक दूसरा से अपने को ओपन करने का काम आता है, इस तरह से होता है दोस्तों। ये वो फाइल ओपन करने का तरीका आपको सीखने को मिला होगा इसमें, और इसको कैसे सेव करते हैं वो भी तरीका मैं इसी के साथ बता दे रहा हूँ। तो फाइल में जाएंगे और अपना एक्सपोर्ट में जाएंगे, एक्सपोर्ट में जाके इस तरह से ओपन ओएमएफ करना है, ओपन करने के लिए इम्पोर्ट करना है, और सेव करने के लिए एक्सपोर्ट करना है। इस तरह से ओपन करेंगे और ये सिलेक्ट आल करेंगे, फिर ओके करेंगे। ये पूछ रहा है अपना जगह, जहाँ भी सेव करना चाहते हो, जैसे इसी जगह करना चाहते हो तो इस जगह ऐसे करके करोगे, फिर यस करोगे तो अपना ये इस तरह का इसमें सेव हो जाएगा दोस्तों। तो ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ओके, थैंक्स, नमस्कार दोस्तों।